Adoro. देखिए ये बच्चा जो है आज पार्टी मना रहा है ये अपने बहन के साथ में। तो ये आज स्पेशल आपको देखिए, इतना छोटा सा बच्चा है और ये देखिएगा आज पार्टी मनाएगा खूब अच्छा से। क्या चीज़ का पार्टी है बाबू? पास्ता मैगी। पास्ता और मैगी का है तो हमको भी खिलाओगे थोड़ा सा? और देखिए तो बच्चा कितना शरीफ है, बोल रहा है कि हाँ खिलाएंगे। और नहीं खिलाओगे तो खा ल, थोड़ा भी बोलने नहीं आता है, थोड़ा भी जी इसका लटपटा जा रहा है बोलने में। हाँ देखिए अब ये देखिए इतना छोटा बच्चा है, इसका कलाकारी देखिए कि ये किस तरह कढ़ाई में, इसको हम लोग लेवन इधर बोला जाता है कि जैसे कि कढ़ाई में हम लोग मट्टी सटा देते हैं इधर गांव देहात में ताकि कढ़ाई जले ना, और अच्छा से कढ़ाई जब धोया जाता है मांजा जाता है तो आराम से एकदम मजा आ जाता है। और देखिए कितना ये देखिए इसमें जैसे कि पढ़ाई पढ़ना है तैसे देखिए बच्चा है, और देखिए कितना प्रेम से उसको एकदम धीरे 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 लगा रहा है। वाह हो गया, अब क्या करोगे? हाथ धोओगे और कढ़ाई भी धोओगे ना? अब कढ़ाई करके धो, कढ़ाई में से यहाँ आ जाओ, अब वो हाथ धो लेगा इधर। चलिए देखिए हम लोग यहाँ चूल्हा में आग धरा रहे हैं, अंडे का कार्टून था उसी से हम लोग धरा रहे हैं क्योंकि मिट्टी तो मिल नहीं रहा है। और देखिए हमने धरा दिया इससे, देखिए यहाँ गर्म पानी में पास्ता डाला गया, अब इसको सिर्फ 2 मिनट उबाला जाएगा। क्या है, पास्ता हो गया है, अब इसमें मैगी डाला जा रहा है। मैगी डल चुका है, पास्ता हो गया है और मैगी देखे हो गया है, बस अब मैगी भी हो ही गया है, अब इसको उतार देंगे हम लोग। वो देखिए हमारा मैगी और पास्ता है, तो अब इसका पानी जो था उसको निकाल दिया, अब फिर मैं इसको ना 2-3 बार धो लूँगी, अगर नहीं धोया जाए तो ये चिपकने लगता है कढ़ाई में। ये हम मैं इसको निकाल दूँगी पानी को, फिर इसमें मैं पानी डालूंगी और फेंक ले। तो देखिए इस तरह हम धो लिए हैं, अब ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, एकदम आराम से बनेगा। अब सारे पानी को हम गार लेंगे एकदम अच्छा से, देखिए हाँ मैंने मैगी की चाउमीन का और मैगी का पास्ता का सबका पानी एकदम अच्छा से निकाल लिए हैं, अब मेरा वहाँ मसाला तैयार हो रहा है। तो देखिए यहाँ कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और इसमें देखिए पहले मिर्चा डाल दिया गया है, अब इसमें तेल डाला जाएगा सरसों का, और इसमें काटा हुआ लहसुन भी डाल दिया जाएगा, अभी डालो। अब इनको अच्छा से पहले हम भून लेंगे, फिर इसमें और जो है टमाटर प्याज सब डाला जाएगा। और देखिए इसमें प्याज ऐड किया जाएगा, तो देखिए यहाँ प्याज भी भुना गया है
और इसमें आप टमाटर ये ऐड किया जाएगा। और आपके पास जो भी सब्जियां हैं इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, हमारे पास अभी नहीं है इसलिए हम सिंपल काम चला रहे हैं। इसमें हर सब्जी डाला जाता है, आलू हो गया, गोभी हो गया, भिंडी हो गया, पटल हो गए, हर चीज़ का मतलब कि इसमें आप हर सब्जी के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मसाला डलाएगा सारा, एक एक मसाला। तो देखिए यहाँ पर हमने हल्दी लिया है, थोड़ा सा मैगी मसाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च है। तो अब सारा इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दो। अभी देखिए मसाला तो मसाले भी देखिए मैं भुना गया है, आप पहले इसमें आप बाद में डलाएगा ये। अब इसमें पास्ता डाला जा रहा है और मैगी ले रहा है। इसमें देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दिया जाएगा, पहले भी नमक थोड़ा सा डाला गया था। अब इसमें मैगी मसाला डलाएगा। अब इसमें पास्ता मसाला लगाएगा। देखिए यहाँ पर एकदम पास्ता एकदम बनकर तैयार है। और ये दो तरह के यहाँ पर पास्ता ये लोग बनाते हैं, एक इसमें जैसे ग्रेवी वाला बनाते हैं और एक भुना हुआ बनाते हैं। तो ये ग्रेवी वाला नहीं है, भुनिया हुआ है इसी से। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, हम शुरू से लेकर अंत तक आप बने हुए हैं। तो चलिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट में लिखिए। और हाँ, कल मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊँगी, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।